नहीं सी आर को शायद, सी आर को हाँ और मैं बहुत ही कॉमन शब्दों में कहता हूँ कि आज हमारी हालात जो है वो हमारे हालात में कहता हूँ हम ऐसे बीच में फंस गए हैं, मतलब भाषा में भी लगा लीजिए या जीवन में भी लगा लीजिए मैम, हम ना गधे मतलब ना हम गधे बन पाए ना गधे बन पाए, हम खच्चर हो गए बीच में, मतलब खच्चर की हालत है कि बेचारा सारे दिन धोता रहता है, कुछ मिलता भी नहीं है, ना वो गधा है ना वो घोड़ा है, घोड़ा हो तो कुछ इज्जत इज्जत हो जाए, गधा हो तो थोड़ा वैसे हो जाए गधा है और वो खच्चर बन गया, तो हम सब की हालत खच्चरों जैसी हो गई है, ना हम घोड़े हैं अब गधे हम बन नहीं सकते, क्योंकि गधे बनेंगे तो शर्म आएगी, घोड़े बन नहीं सकते ठीक है ना, तो हमें ना अंग्रेजी ठीक से आती है ना हिंदी ठीक से आती है, हम खच्चर हो गए बीच के हो गए ठीक है ना। तो एक बार एक शियार जो होता है, शियार को क्या कहते हैं, गादड़ा, गादड़, गादड़ बोलते हैं तभी गादड़ा, गीदड़ बोलते हैं गीदड़, तो उसको डिग्री पूरी करने के बाद एक लाइसेंस मिल गया और वो बोला कि तरबूज खा सकते हैं किसी भी खेत में जाके हम, मेरे पास लाइसेंस है, तो सारे खुश हो गए, बाकी दूसरे बोल भाई चलो ये तो अच्छी बात है हमारा अच्छा पेट भरेगा भाई, कभी चाहे तो भी ले जाना तू तो फ्री में खा के आता, तेरे को लाइसेंस मिला हुआ कुछ कहेगा नहीं कोई भी, तो सारे उसके साथ चले गए। अब जैसे खेत में बड़ा श्यार तो फंस गया, वहाँ से जंगली कुत्ते आते दिखे, तो जंगली कुत्ते जैसे सियार के पीछे भागे तो नेचुरल भागना था उसको, तो भागा उसके साथ गए, तो वो भी पीछे पीछे, एक दो ने पूछ लिया अरे आप क्यों भाग रहे हो भाई, आपके पास तो लाइसेंस है खाने का, आप दिखा दो लाइसेंस, बोला किसको दिखाओ अनपढ़ों से पाला पड़ गया लाइसेंस तो उसको दिखाओ ना पढ़े लिखे हो, अनपढ़ों से पाला पड़ गया, जंगली कुत्ते अनपढ़ हैं। चलिए।